मसरख प्रखंड कार्यालय में वीडियो पर नियमों का उल्लंघन करते हुए नाजिर रखने का आरोप लगाया गया है। वहीं वीडियो और नाजिर पर वित्तीय खर्च की जांच पड़ताल करने की मांग सारण डीएम से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले में शिकायतकर्ता सुनौली गांव निवासी राजीव रंजन ने बताया कि मशरख वीडियो ने सरकारी विकास की योजनाओं में गबन करने को नियमों को ताक पर रखकर संविदा नियोजित धनेश राम को प्रखंड के वित्तीय प्रभार नाजिर का प्रभार सौंपा है, जो सरकार के आदेश का सरासर उल्लंघन है। जबकि सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि किसी भी संविदा कर्मी को वित्तीय प्रभार नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रतांक 03M24 सामान्य प्रशासन 11899 पत्र में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी भी संविदा नियोजित कर्मी या पदाधिकारी को वित्तीय अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो फिर किस परिस्थिति में सरकार के आदेश के विपरीत मशरख में वीडियो ने संविदा नियोजित कर्मचारी को वित्तीय प्रभार दिया है? वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि वीडियो और नाजिर के द्वारा सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता राजीव रंजन ने डीएम सारण से मांग किया कि वीडियो द्वारा अवैध ढंग से विकास के नाम पर नजारत से राशि निकासी कर रोक लगाने तथा कैश बुक तथा किस योजना में कितनी राशि आई है और किस योजना में कितनी राशि खर्च की गई है, यदि खर्च की गई तो योजना पूर्ण हुई कि नहीं, इसके लिए जिले से जांच टीम गठित कर जांच पड़ताल करने की मांग की, ताकि वीडियो और नाजिर द्वारा लूट की जा रही सरकारी राशि को। मैं राजीव रंजन, ग्राम सुनौली, थाना मसरख, जिला सारण का निवासी हूँ। मसरख वीडियो द्वारा सरकार के आदेश के विपरीत में मसरख के नाजिर का प्रभार दिया गया है, जबकि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासक के पत्रांक के 11899 है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि किसी भी संविदा नियोजित कर्मी को वित्तीय प्रभार नहीं दिया जाएगा। लेकिन मसरख वीडियो साहब द्वारा संविदा नियोजित कर्मी श्री धनेश राम को वित्तीय प्रभार दिया गया है और सरकार के सरासर उल्लंघन किया गया है। मैंने एक जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ आवेदन दिया हूँ और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ, डीएम साहब से मांग करता हूँ कि इसकी जांच जिला कमेटी द्वारा गठित करके कराई जाए, ताकि मसरख वीडियो और नाजिर श्री धनेश राम द्वारा सरकार की योजनाओं की राशि अवैध ढंग से निकासी करके जो गबन किया जा रहा है उसकी जांच हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जांच उपरांत अवैध ढंग से जो राशि निकाली गई है वह पकड़ी जाएगी। मैं पुनः जिला प्रशासन डीएम साहब से मांग करता हूं कि इसका जांच जल्द से जल्द कराई जाए, ताकि गबन का उजागर हो सके। धन्यवाद। जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।